तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के से कोई नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीआर पे। तो दोस्तों देखिए, आप जो यहां पर ये वीडियो में फ़ोन देख पा रहे हैं, ये फ़ोन रेडमी का फ़ोन है। और देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका मॉडल दिखा दूँ मैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसका मॉडल देख लेना। ये देखिए दोस्तों, ये रेडमी 9 पावर है, ठीक है। रेडमी 9 पावर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेडमी 9 पावर इसका मॉडल है। और देखिए दोस्तों, फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको बता दूं मैं, फिर किस तरीके से आप उसे ठीक कर सकते हैं प्रॉब्लम को वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक वॉच करना, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों देखिए, इस फ़ोन के अंदर आप यहाँ पर कॉर्नर में देखेंगे तो सेफ गुड एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अभी देखिए, कभी भी आपके पास ये रेडमी 9 पावर फ़ोन आए या फिर आप इसका यूज़ भी कर रहे हैं और जाने अनजाने में आपके फ़ोन के अंदर सेफ गुड एक्टिवेट हो जाता है, तो आप उसे किस तरीके से डीएक्टिवेट यानी कि बंद कर सकते हैं, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के अंत तक वॉच करना। और साथ ही दोस्तों देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि सेफ मोड हटाने के लिए हैं। तो बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भाई हमारा सेफ मोड नहीं हटा है, हमारा सेफ मोड नहीं हटा है। तो देखिए, वो प्रॉब्लम क्या होती है जो मैं आज की वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, सेफ मोड हटाने वाली 101% उससे सेफ मोड बंद हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन देखिए, किस कंडीशन में नहीं होगा, जब आपके जो वॉल्यूम की हैं जिनसे आप आवाज़ घटाते बढ़ाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उस कंडीशन में आप मेरी वाली ट्रिक को कितना ही फॉलो कर लेना, तब तो आपके फ़ोन का सेफ मोड डीएक्टिवेट नहीं होगा यानी बंद नहीं होगा। अगर आपके वॉल्यूम की में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो 100% गारंटी देता हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, लाइव मैंने आपको दिखाया भी है, आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बिना कट लगाए दिखाऊंगा, यदि वॉल्यूम के अंदर कोई भी कमी नहीं होगी तो आप इस ट्रिक को फॉलो करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 100% आपके फ़ोन का सेफ मोड बंद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, आपको करना यह है, ना तो अपने फ़ोन को आपको स्विच ऑन ऑफ करना है बार बार, ना ही कोई हार्ड रिसेट करना है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर वगैरह करानी है। आपको सिर्फ करना यह, छोटी सी ट्रिक है, आपके फ़ोन का जो पावर की है ऑन ऑफ बटन आपको इसे प्रेस करके रखना है, ठीक है। प्रेस करके रखेंगे इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अभी देखना, यहाँ पर सेफ मोड एक्टिवेट है, ठीक है। तो अब इनमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिबूट लिखा हुआ, तो आपको रिबूट पर क्लिक करना है, फिर से रिबूट लिखा मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ होगा और ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा, आपको इसे ऑन नहीं करना है, ठीक है। ये रिस्टार्ट हो रहा है, आपको इसे ऑन नहीं करना है, ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं कोई भी कट नहीं लगाने वाला हूँ, आप बस देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमारा फ़ोन ऑन तो हो चुका है अपने आप ही। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये प्रॉपर ऑन हो जाएगा तो इसका जो सेफ मोड है वो हटेगा या फिर नहीं हटेगा। देखिए, फ़ोन ऑन हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे वीडियोज बनाए हैं ऐसे, ये जो रिजल्ट है सेफ मोड बंद करने का 101% एकदम करेक्ट है। सिर्फ वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया कि यदि आपके फ़ोन के वॉल्यूम की ख़राब होंगे तो ये नहीं हटेगा। देखिए, फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। चलिए लॉक खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने लॉक भी खोल दिया है। और अब आप यहाँ पर वीडियो में क्लियर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर अब कोई भी सेफ मोड एक्टिवेट नहीं है, इसका सेफ मोड बंद हो चुका है। जबकि पहले मैंने आपको रिबूट करने से पहले दिखाया था कि यहाँ पर सेफ मोड एक्टिवेट था, और जैसे फ़ोन रिबूट होकर के ऑन हुआ है तो यहाँ पर सेफ मोड बंद हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे समझ गए होंगे और यकीनन आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर से ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।